हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता। और मैं हूँ सुनीता, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, डीआईवाई, किड्स रिलेटेड वीडियोस, ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज, इजी एंड फास्ट रेसिपीज, ओल्ड क्लोथ रीयूज आइडियाज, मेकअप वीडियोस, टाइम मैनेजमेंट, इन शॉर्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न वुमेन्स लाइफ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके का कंटेंट एक ही चैनल पर देखने में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को। फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है एक मीशो ज्वेलरी हॉल। मीशो क्या है आप उसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके होंगे, फिर भी मैं वीडियो के एंड में आपको थोड़ा सा बता दूंगी उसके बारे में। जल्दी से मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना शुरू करती हूँ और हर प्रोडक्ट का कोड मैं आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ज्वेलरी पीस पसंद आता है तो आप उसे मीशो पर सर्च करके बाय भी कर सकते हैं। और ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो जैसी चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई हैं वैसी ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दो इयररिंग का कॉम्बो था, जिसमें एक तो ये वाले थे और ये सिंगल सिंगल काफ़ी महंगे हैं, लेकिन ये कॉम्बो जो था वो मुझे लगभग 200 रुपये में ये दोनों ही मिल गए थे। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है इसकी कीमत। तो ये थे, बहुत ही लाइट वेट हैं, जिस हिसाब से देखने में बड़े हैं ना उस हिसाब से वजन बिल्कुल भी नहीं है और बहुत सुंदर ये लग रहे हैं। स्टेटमेंट इयररिंग है ये दोनों, कॉम्बो में आप लीजिएगा। ये अलग अलग भी अवेलेबल हैं लेकिन कॉम्बो में आपको सस्ते पड़ेंगे। तो इनकी क्वालिटी अच्छी है और लाइट वेट हैं। तो पहले तो ये दो हुए, ठीक है। और एक इसके बाद मैंने मंगाए थे गोल्ड फिनिश में, इयररिंग्स ही थे वो भी। और ये देखिए, ये लगभग 200 शायद 250 या 300 कुछ रुपए के थे, शायद 300 रुपए के थे। डिज़ाइन इसका बिल्कुल अलग सा, यूनिक सा था, तो मैंने इसको मंगाया था। बस वह देखने में बहुत सुंदर है, पहन के भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनमें वेट बहुत ज़्यादा है तो मुझे इन्हें कान चेन के साथ ही पहनना पड़ा, अदरवाइज ये मुझे इनकम्फर्टेबल फील करा रहे थे। लेकिन फिनिशिंग वगैरह में आप इसमें देखिएगा तो ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर हैं, वर्थ है पैसे के हिसाब से। तो दूसरे इयररिंग्स हुए ये। और इसके बाद मैंने जो फ्रेंड्स मंगाए हैं, एक ये वाला सेट है जो मैंने पहना हुआ है। ये पहले महंगा था लेकिन इतने मैंने मंगाया तो ये लगभग 250 रुपये में, 255 या 265 में आ गया था। तो इसके साथ ही इस तरीके का एक नेक पीस है और एक खूबसूरत से इयररिंग्स हैं। तो मुझे इसके इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। नेक पीस तो मैं इसका कभी कभी पहनूंगी, लेकिन इयररिंग्स बहुत सुंदर हैं। अगर अलग से भी पहन लिए जाएँ तो स्टेटमेंट इयररिंग हैं और एकदम आपके लुक को एनहेंस कर देंगे। तो इसका क्लोजर लुक मैं आपको साइड में दिखा दूंगी, आप देख लीजिएगा। और इसका मैं प्रोडक्ट कोड भी आपको मैंशन करा दूंगी। फ्रेंड्स, अगले इयररिंग्स हैं ये वाले। ये मुझे थोड़े से कॉस्टली पड़े हैं, केवल इसकी डिज़ाइनिंग की वजह से मैंने इसे लिया है, वरना इतने में आपको इसके साथ एक मांग टीका भी मिल जाएगा और चेन भी इससे डबल मिल जाएगी। ये चेन है इसके साथ जो आपके इस तरीके से बालों में लगेगी जाके, और ये ऊपर का हिस्सा है और नीचे ये जो इसके ये कटोरी वाला हिस्सा है इसमें ये देखिए थोड़ी सी जाली सी बनी हुई है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, जो मांग टीका और वो वाला सेट है ना उसमें इस तरीके की स्टील की सी है, ये बहुत फ्लैशी सा लग रहे थे, ये पहनने नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन ये वाले जो हैं ये इस तरीके की जाली जो बनी हुई है ना, इसके वजह से ये मैंने ये वाला मंगाए थे। तो ये 216 समथिंग के थे और 220 या 24 में मांग टीके वाला भी पूरा सेट है। तो अगर आप चाहें तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। और मांग टीका वैसे भी ज़्यादा पहना तो जाएगा नहीं, ये अच्छे लगते हैं, ये मैंने इसलिए मंगाए हैं। तो इसमें यहाँ पर सेल्फ में डिज़ाइनिंग भी दी हुई है, मैं आपको इसका क्लोजर लुक भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो एक इयररिंग्स ये मैंने मंगाए हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतनी ही चीज़ें हैं और वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं आइंदा कुछ चीज़ें मंगाऊंगी या कुछ होगा मेरे पास शेयर करने के लिए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज़।